हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हो? और हमारी फिर से नई वीडियो आपके लिए स्वागत है। और इसमें हम जानकारी देंगे जो लेंटर किस तरीके से और किस चीज़ से डरवाएं, वो भी हम पूरा दिखाएंगे इसमें और पूरा बताएंगे, पूरा भी समझाएंगे और बाकी सारी चीज़ आपको बिल्कुल बिल्कुल समझाएंगे कि किस तरीके से ढलाई होती है इसमें। जी आप जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन से आजकल जो लेंटर डर रहा है वो कम से कम है 80-90% तक लेंटर डर रहे हैं। 90% तक लेंटर इससे मेट्रो ट्रेन से डाला जा रहे हैं। तो इससे क्या है, बहुत सारे लाभ मिलते हैं हमें। इससे क्या है, जो माल जो बनता है हमारा बहुत अच्छा माल बन के आता है इससे, उसमें आपको वाइब्रेटर वगैरह की किसी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम्हारी वाइब्रेटर की बचत होती है और हमारा प्लेट वाला जो होता है उससे भी बचत होती है। तो आप कभी लेंटर डलवाएं तो मेट्रो ट्रेन से लेंटर डलवाएं इसमें, इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। और मेट्रो ट्रेन से लेंटर डालने में बहुत सारे फायदे होते हैं। और आप जो देख रहे हैं तो इसको पहले चेक करा जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ी सी पहले इस लाइन जो होती है इसको डाली जाती है, इसमें डाल के उसमें तरीके से चेक कराया जाता है, क्यों वह आगे के लिए दिक्कत नहीं आए। इसमें ये वाइब्रेटर जो रोड वाल रखते हैं बाय चांस के लिए रखते हैं, अगर मैं थोड़ा थोड़ा चल जाता है तो उसमें थोड़ी सी मुझे तो याद आती है नीचे से चलता है तो और अच्छा भी माल चले जाता है नीचे तक। कहीं डाल देते हैं, कहीं डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़रूरी होता है कि वाइब्रेटर लाना, कोई दिक्कत नहीं है मिलने आती और आता है तो कुछ दिन डाल सकते हैं। तो ये जो लेंटर डाला जा रहा है मेट्रो ट्रेन से, तो आपको बिल्कुल दिखा रहे हैं इसमें हम। ये हमारे जो वर्कर लोग लगे हुए हैं और ये वाइब्रेटर है, इससे क्या है चलाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, पर ये चल जाएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं। इसमें जो इससे जो आता है, इससे जो माल आपने देखा होगा, जो ट्रक वाला जो माल आता है डोल से आ जाता है, वो भी माल वैसे ही बांध के इसमें माल आता है। और ये जो बगल की जो साइड है उसमें रोका जा रहा है ढांचे से माल, थोड़ा सा ठकता होता है वो भी लगाए, संग लगा के उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लगा के चलाई होती है। इसमें जब ऐसा होता है जब इसमें ढलाई होती है तो जो पलट वाला नहीं समय पर चलता है तो इसमें क्या होता है, इसमें फिर पंजी वगैरह से गिट्टी सारी एक सी करनी पड़ती है, उसके बाद फिर फंटी से काम इसके ऊपर होता है। फंटी से इसकी फिनिशिंग जो होती है, मेन जो फिनिशिंग होती है वो फंटी से कराई जाती है। तो वो तो है ही है, आपने देखा ही है, क्योंकि फंटी से फिनिशिंग आएगी। उससे क्या है, गिट्टी जो लेंटर वाले होते हैं वो गंजी नहीं होती है, बिल्कुल गंजी नहीं होती है, रेसा एकदम मस्त और गुड बन के आता है और दिक्कत ही नहीं आती उसमें। रेसा ही का मेन चीज़ होती है कि लेंटर के ऊपर फिनिशिंग जो आती है वो रेसा से आती है, मालिक उसी हिसाब से इसमें पानी वगैरह चलता है। तो ये क्या है, इसमें उसी फिनिशिंग के हिसाब से डाला जाता है, पानी भी उसी हिसाब से डाला जाता है कि मान लग रहा हम पतला करते हैं तो रेशो हमारा बहुत बेकार हो जाएगा, रेशो नहीं बना पाएगा लेंटर में, तो वो भी नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ देख के और तरीके से कराना पड़ता है। तो ये लेंटर का मेन काम होता है कि ये वो तो है नहीं, गटर पत्थर वाला काम उखाड़ के इसमें लगवा दो तो लेंटर है, तो लेंटर काम थोड़ा सा ढंग से और कराना पड़ता है। का ढलाई तो होने वाली है और हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए हमारा इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और हमारी वीडियो कमेंट करें। बाय बाय टाटा सभी के लिए।